कुछ देर बाद ध्रुव के सामने एक अनजान आदमी खड़ा था। ध्रुव उसे देखकर डर गया, क्योंकि उसे लगा कि कहीं यह इंसान वही तो नहीं जिसने कुछ दिनों पहले उसके ऊपर हमला किया था। ध्रुव ने उस आदमी से पूछा, कौन हो तुम, मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? उस आदमी ने कहा, मुझे आपकी फिजियोथेरेपी के लिए भेजा गया है। आप ठीक तरह से रिकवर कर सके इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मेरी बात शिवानी मैडम से हुई थी, आई होप आप उन्हें जानते होंगे। ध्रुव ने कहा, अच्छा, लेकिन मेरी बात तो शिवानी से कुछ देर पहले ही हुई है, लेकिन उन्होंने मुझसे आपके बारे में कुछ नहीं कहा। उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, हो सकता है वो भूल गई हो। मैं अपना नाम तो बताना ही भूल गया, मेरा नाम भीष्म साहनी है। भीष्म ने पूरे दिन ध्रुव को ऑब्जर्व किया, वो देखना चाहता था कि क्या ध्रुव डरा हुआ है। ध्रुव इतनी बुरी हालत में भी अपने काम कर रहा था और उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि कुछ दिनों पहले उसके ऊपर पुलकित ने हमला किया था। ध्रुव की यही बात भीष्म को इम्प्रेस कर गई और उसने डिसाइड कर लिया कि वो ध्रुव को अपना स्टूडेंट बनाएगा और उसे वो सब कुछ सिखाएगा जिससे वो खुद को और दूसरों को प्रोटेक्ट कर सके। अभी के लिए भीष्म ने सोचा था कि वो ध्रुव को अपने बारे में सच नहीं बताएगा, सही समय आने पर ध्रुव को उसके बारे में सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। भीष्म ने कहा, तो शुरू करें, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। ध्रुव भीष्म की बात सुनकर हैरान रह गया था, अभी भी उसे खड़े होने के लिए परमिशन नहीं मिली थी। डॉक्टर्स चाहते थे कि ध्रुव अपने शरीर को अभी भी आराम दे, दोबारा उठने की कोशिश में अगर उसके बॉडी पर जरा भी स्ट्रेस पड़ा तो दिक्कत हो सकती थी। ध्रुव ने भीष्म से कहा, मुझे डॉक्टर्स ने अभी मना किया है, इसलिए मैं इतनी जल्दी खड़ा नहीं हो सकता। भीष्म ने कहा, अगर तुम पहले की तरह चलना फिरना चाहते हो तो तुम्हें रिस्क लेना ही पड़ेगा। तुम्हारी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है और इस वक्त तुम्हें डर है, इसलिए तुम मुझे मना कर रहे हो। हमें तुम्हारे मन से डर को दूर करना है। कम ऑन, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। भीष्म ने इतना कहकर ध्रुव के शरीर पर लगे ड्रिप सिस्टम को निकाल दिया और ध्रुव कुछ ही देर में भीष्म के कंधों का सहारा लेते हुए खड़े होने की कोशिश करने लगा। भीष्म ने कहा, पहले अपने शरीर का पूरा वजन दाएं पैर पर रखो और उसके बाद दोनों पैर रखने की कोशिश करना। सब कुछ ठीक रहा तो तुम आज ही अपने दोनों पैरों पर खड़े हो सकते हो। ध्रुव ने डरते हुए अपने दाएं पैर पर पूरा वजन रखा। अपना वजन रखते ही ध्रुव को तेज दर्द हुआ। उसने भीष्म से कहा, ओह, मुझे दर्द हो रहा है और मेरी बॉडी इतनी जल्दी से ये सब झेल नहीं पाएगी। भीष्म ने कहा, दर्द होने दो, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम इतने दिनों से बेड रेस्ट पर थे, इतने दिनों में तुम्हारे शरीर को रेस्ट की आदत हो चुकी थी। अब आज इतने दिनों बाद तुम कोशिश कर रहे हो, इसलिए दर्द तो होगा ही। शुरुआत में तुम्हें दर्द महसूस होगा, लेकिन धीरे धीरे दर्द कम हो जाएगा। दर्द पर फोकस मत करो, बस इस बात पर फोकस करो कि तुम्हें अपनी पूरी ताकत वापस हासिल करनी है। ध्रुव ने एक बार फिर से कोशिश की और इस बार भी उसे तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने इसके बावजूद भी अपने वजन को दाएं पैर पर डालना बंद नहीं किया और धीरे धीरे दर्द कम हो गया। ध्रुव के दाएं पैर ने उसका पूरा वजन ले लिया था, इसलिए उसे बहुत खुशी हो रही थी कि फाइनली उसकी बॉडी रिकवर कर रही थी। भीष्म ने कहा, देखा, अगर तुम अपने दर्द पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी बॉडी कभी रिकवर नहीं कर पाएगी। हमारा शरीर हमसे पहले अपना ध्यान रखता है, इसीलिए हमें दर्द पर ध्यान न देकर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर आप कितने समय तक आराम कर रहे हैं। अब इसी तरह अपने दूसरे पैर पर खड़े होने की कोशिश करो, लेकिन आराम से। तुम्हें अगर जरा भी अजीब लगता है तो कोशिश बंद कर देना, ठीक है? ध्रुव भीष्म की बात समझ गया और उसने बड़े आराम से अपने दूसरे पैर पर खड़े होने की कोशिश की। इस बार भी उसे तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने एकदम से सहारा लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि थोड़ी देर उसी पोजीशन में रहा ताकि देख सके कि क्या वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो पाएगा। थोड़ी देर बाद ध्रुव ने धीरे धीरे अपने दूसरे पैर के ऊपर भी वजन डाला और वो बिना किसी सपोर्ट के खड़ा हो गया। ध्रुव को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये काम कैसे किया। भीष्म ने उसके पैरों को ध्यान से देखा और फिर ध्रुव से कहा, तुम पहले की तरह चलने लगोगे, बस हमें एक हफ्ते इसी तरह प्रैक्टिस करनी होगी। तुम्हें दर्द होगा, लेकिन दर्द को सहना पड़ेगा, तभी तुम प्रोग्रेस कर पाओगे। मैं तुम्हें दर्द को सहने की टेक्निक सिखाऊंगा जिससे तुम्हें मदद मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें दर्द महसूस होगा। तुम्हें इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ध्रुव ने कहा।
मैं तैयार हूँ। मैं जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल से बाहर जाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे चाहे जितना दर्द झेलना पड़े मैं झेल लूंगा, भीष्म ने कहा। तो ठीक है, हम थोड़ी देर और प्रैक्टिस करेंगे और तुम देखो कि आखिर कितने समय तक तुम अपने पैरों पर खड़े रह सकते हो। मैं तुम्हें कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिसके बाद तुम अपने पैरों की मसल्स को अनलॉक कर सकते हो। इसकी मदद से तुम्हें चलने में आसानी होगी और दर्द भी कम महसूस होगा। भीष्म ने ध्रुव को कुछ एक्सरसाइजेस सिखाई और ध्रुव ने उन्हें दोहराने की कोशिश की। उसे दर्द महसूस हो रहा था लेकिन ध्रुव ये भी जानता था कि धीरे धीरे ये दर्द कम हो जाएगा और वो एक बार फिर से पहले की तरह चल फिर पाएगा। ध्रुव के ऊपर जिस खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था उसकी वजह से उसके शरीर की नसें ब्लॉक हो गई थी। पैरों की नसों में ठीक तरह से खून नहीं पहुंच रहा था, इस वजह से उसे चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। इसके अलावा लंबे समय तक वो बेड रेस्ट पर था, इस वजह से भी उसकी मसल्स रिलैक्स हो गई थी। अपने पुराने मूवमेंट को वापस लाने के लिए उसे इन मसल्स को दोबारा से ताकत देनी थी। भीष्म ने ध्रुव की मेडिकल रिपोर्ट्स को पढ़ा था और उसे बहुत अच्छे से पता था कि पुलकित के अटैक के असर को किस तरह से खत्म किया जा सकता है। भीष्म उसी हिसाब से ध्रुव को बता रहा था। भीष्म का टारगेट था कि एक हफ्ते में ध्रुव को उसके पहले के मूवमेंट में वापस लाया जाए ताकि वो उसे आगे की ट्रेनिंग दे सके। भीष्म ध्रुव को वो सब सिखाना चाहता था जिसकी मदद से उसे आगे किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी खुद की सुरक्षा करना आसान हो जाए। भीष्म जानता था कि ध्रुव अपनी ट्रेनिंग को सीरियसली लेगा और मेहनत करके इस काबिल हो जाएगा कि पुलकित के लिए उसे अपने काबू में लेना आसान नहीं रहेगा। भीष्म की ट्रेनिंग लेने के बाद भी पुलकित आसानी से ध्रुव तक पहुंच सकता था लेकिन इस बार उसे हराना आसान नहीं था। ध्रुव कुछ देर तक पुलकित को उलझा कर रख सकता था और इस बात का बेनिफिट भीष्म और उसकी टीम को मिल सकता था। ध्रुव ने सभी एक्सरसाइज को ध्यान से सीखा और उन्हें खुद भी करने की कोशिश की। एक बार में तो वो सभी एक्सरसाइज करने में उसे दिक्कत हुई लेकिन भीष्म ने उसे बताया कि जब उसका शरीर पूरी तरह से अपने पहले की पोजीशन में आ जाएगा तब उसके लिए इन एक्सरसाइज को करना और आसान हो जाएगा। थोड़ी देर इसी तरह प्रैक्टिस करने के बाद भीष्म ने ध्रुव से कहा, अब तुम इन एक्सरसाइज को करना बंद कर सकते हो, आज के लिए तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। जाने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी चीज सिखाना चाहता हूँ, ये तुम्हें अपना दिमाग शांत रखने में और अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करेगी। मेडिटेशन या ध्यान हमें मेंटली किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार करता है। तुम इंटेलिजेंट हो और तुम्हारे अंदर सीखने की चाहत भी है लेकिन तुम्हारा दिमाग कभी कभी अपना फोकस खो देता है, इसी वजह से पुलकित जैसे लोग तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं। अगर तुम अपने दिमाग को शांत रखोगे तो तुम्हें अपना काम करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तुम मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी आराम से हैंडल कर लोगे और कोई भी तुम्हें डरा नहीं पाएगा। तुम्हारे अंदर हमेशा एनर्जी रहेगी और सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ेगी। तो अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें यह सिखा सकता हूँ, ध्रुव ने कहा। मेडिटेशन के फायदे मैंने सुने थे लेकिन कभी इसे आजमा कर नहीं देखा। अब तक आपने मुझे जो कुछ भी बताया वो मेरे बहुत काम आया है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये सब मेरे काम आएगा। मैं इसे सीखने के लिए तैयार हूँ, भीष्म ने कहा। तो ठीक है, मुझे देखो और मेरी नकल करने की कोशिश करो। मेडिटेशन में हमें अपने दिमाग को जितना हो सके सभी तरह के ख्यालों से दूर करना होगा। किसी भी नौसिखिए के लिए ये करना मुश्किल है क्योंकि हमारा मन हमेशा इधर उधर भागता रहता है। हम अपने मन में जो सोचते हैं उसी के हिसाब से हमारा दिमाग काम करने लगता है। इसलिए कहते हैं कि सोते समय भी हमारा दिमाग आराम नहीं कर पाता जब तक हम अपने दिमाग को आराम नहीं करने देंगे। हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ सकता। अपने दिमाग को आराम देने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मेडिटेशन। हमारे योगा में इसे करने के बहुत से रास्ते दिए गए हैं जो बहुत आसान है। मैं तुम्हें उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए बताऊंगा कि ध्यान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अपने सामने रखी किसी भी एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो और कोशिश करो कि तुम उसके अलावा कुछ न सोचो। ध्रुव ने ठीक वैसा ही किया। वो आराम से एक जगह बैठ गया और उसने दीवार पर लगी एक छोटी सी चीज की तरफ अपना ध्यान लगाया। ध्रुव कोशिश कर रहा था कि वो उस चीज के अलावा कुछ ना सोचे लेकिन उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। ध्रुव ने बहुत कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। भीष्म ने कहा, एक बार में नहीं होगा, तुम्हें इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर दिन इसकी प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे तुम्हें अपने मन पर काबू करना आ जाएगा।
जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे मन में कोई ख्याल नहीं है, तब तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है और कोशिश करनी है कि जिस चीज को तुम देख रहे थे उसे बंद आंखों से भी देख सको। तुम्हें उस चीज की हर एक डिटेल को आंख बंद करके देखना होगा। जब तुम माहिर हो जाओगे तो तुम्हारे लिए यह करना बहुत आसान हो जाएगा। शुरुआत में 5 से 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद तुम धीरे धीरे समय को बढ़ा सकते हो। तुम्हें दिन में कम से कम 30 मिनट इसी तरह ध्यान करना है, तब तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगी। मेरे जाने का समय हो गया है, इसलिए आज मैं तुम्हें बस इतना ही बता सकता हूँ। कल मैं फिर आऊंगा और हम इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है तुम उसे समझ पाए हो। तुम्हें कोई डाउट है या मुझसे कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकते हो। ध्रुव ने भीष्म से पूछा, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? आप कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, बल्कि आप मुझे यहाँ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं। मेरी आगे की लड़ाई के लिए मुझे तैयार करने आए हैं। भीष्म साहनी समझ गया कि ध्रुव सच में इंटेलिजेंट है। उसके सामने झूठ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये किसी ना किसी तरीके से सच तक पहुंच ही जाता है। भीष्म ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव मेरे अपने कारण थे, पर मैं अभी भी तुम्हें अपने रियल आइडेंटिटी नहीं बता सकता। लेकिन इतना समझ लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें आगे तक ट्रेनिंग दूंगा, जब तक मुझे नहीं लगता कि तुम तैयार हो। तुम्हारी सिक्योरिटी अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं वंश सर का स्टूडेंट हूं और उन्होंने मुझे तुम्हारे ऊपर ध्यान रखने के लिए कहा है, इसलिए मैं उनकी बात नहीं डाल सकता। क्या ध्रुव खुद को इतना मजबूत कर पाएगा कि वो पुलकित का सामना कर सके? जानने के लिए सुनते रहिए द लीडर, सिर्फ पॉकेट FM पर।